आज के हमारे नुमाइंदे, मैं अभी एक अखबार पढ़ रहा था तो काम किसको बोलते हैं, मैं तो हेडिंग पढ़ के ही बड़ा हैरान था कि रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के अहल खाना का शनाख्ती कार्ड अपडेट किया गया। ये काम है कि खुद के शनाख्ती कार्ड का अपडेट ही उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो खबर बनना चाहिए और खबर भेजी गई अखबार में। तो मैं बहुत हैरान था कि ये शहर के साथ क्या किया जा रहा है, ये शहर के साथ एक मजाक किया जा रहा है। सर्वे नंबर 77 के जुम्मेदारान यहाँ पर आए और पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने की बात हमसे की। मैं आप सभी लोगों का खुशामदीद करता हूँ पार्टी में, और ये हमारे लिए बड़ी हौसला मंद बात रही कि काम हम रोज़ाना करते। अगर मैं कहूँ कि सियासत में मैं 20 घंटा काम करता हूँ तो ये बात गलत नहीं है। लोगों का काम काज करना, यही सही में खिदमत है और यही सियासी पार्टी का प्लेटफॉर्म से होना चाहिए। और आज जो ज़रूरत है, मैं इससे पहले भी बोला कि हम लोग जो है रोड और गटर की सियासत में इसलिए उलझे हैं कि हमारा यही बुनियादी काम 25 सालों से किसी सियासी लीडर ने नहीं किया। इसलिए हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम रोड और गटर की ही बात करें। आज भी हम पानी के सवाल पे ही पाइपलाइन की बात करें, पानी नहीं आता है क्योंकि बुनियादी ज़रूरत पूरी ही नहीं हुई इन 25 सालों में। शहर बहुत बढ़ गया, शहर हाईवे के उस तरफ भी चला गया, मगर जिस तरह से दूसरे शहरों में जब कोई और शहर डेवलप होता है या दूसरा शहर जब बढ़ता है तो वो एक प्लान के तहत वहाँ काम काज किया जाता है, एक प्लानिंग की जाती है कि वहाँ पर रोड गटर हर चीज़ का एक अच्छा सिस्टम से काम काज हो ताकि वो डेवलपमेंट लोगों को दिखे। पुराने शहर की बात ऐसी होती है कि वहाँ पर हमारे पास कोई जगह या डेवलपमेंट करने के लिए कभी कभी ये होता है कि जगह नहीं मिलती, इतना सब कंजस्टेड हो जाता है कि हम वहाँ जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकते, मगर नई जगह पर तो किया जा सकता है। मगर इन 25 सालों में शहर इतना बढ़ने के बाद भी जिस तरह की तरक्की शहर में होना चाहिए उस तरह की तरक्की हुई ही नहीं। आज के हमारे नुमाइंदे, मैं अभी एक अखबार पढ़ रहा था तो काम किसको बोलते हैं, मैं तो हेडिंग पढ़ के ही बड़ा हैरान था कि रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के अहल खाना का शनाख्ती कार्ड अपडेट किया गया। ये काम है, ये हंसने वाली बात। इसको अगर काम बोला जाएगा तो आप जिस ऑफिस में बैठे हो, यहाँ हमारे रईस सितारा बैठे हैं और भी पार्टी के जिम्मेदारान बैठे हैं, ये रोज़ाना कई 100 लोगों का अपडेट, दूसरे डॉक्यूमेंट, ये सब काम काज करते। मालेगांव शहर में जितनी लाडली बहन का स्कीम का काम तुम जिस ऑफिस में समाजवादी के बैठे हो यहाँ से किया गया, मालेगांव शहर की किसी सियासी ऑफिस से इतना काम नहीं हुआ। हम रोज़ाना अगर अपडेट और ये खबर देने लगे तो सिर्फ यही, ये काम को हम ये मानते हैं कि ये ज़रूरत लोगों की है, हमको ये काम करना चाहिए। मगर जब नुमाइंदा इस काम को खबर मान ले कि खुद के शनाख्ती कार्ड का अपडेट ही उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो खबर बनना चाहिए और खबर भेजी गई अखबार में, तो मैं बहुत हैरान था कि ये शहर के साथ क्या किया जा रहा है, ये शहर के साथ एक मजाक किया जा रहा है। आप लोग शहर के जिम्मेदार हैं, यहाँ जो बैठे हैं और माशाल्लाह सब दाढ़ी टोपी में और एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से आप यहाँ बैठे हो, ये सोचने का मुकाम है कि इस तरह की नुमाइंदगी अगर होंगी तो काम करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो नुमाइंदा अपने घर का आधार कार्ड अपडेट करने को एक बड़ी बात मानता हो, वो शहर के बुनियादी काम किस तरह करेंगे? बुनियादी काम का सवाल ही ख़त्म हो जाता, वो तुम्हारे रोज़गार के ताल्लुक से कल क्या सोचेंगे, तुम्हारे वहाँ पर आगे तालीम के सवाल पर कोई काम काज करेंगे, तुम्हारी अगर ज़मीन का कोई मसला है 7-12 का या दूसरे, उन मसाइल पर वो क्या काम करेंगे? जो नुमाइंदा आधार अपडेट खुद का करने पर, खुद के घर का करने को एक बड़ी बात मान रहा है तो वो क्या कर सकता है, ये आप समझ सकते हो। ये शहर में एक तरह का मजाक हो रहा है, काम के नाम पर अगर मैं कहूँ कि शहर के साथ मजाक किया जा रहा है, इस तरह की खबर मैं स्लेब पर खड़े होकर कि स्लेब तोड़ रहे हैं,
आज के हमारे नुमाइंदे, ये भी एक खबर है, दो घंटे से बैठे हैं, गटर बन रही है वो खबर है, एक छोटी गली बन रही है वो खबर है, तो तुम सोच सकते हो कि वो बड़े काम की तरफ क्यों जाएंगे, उनकी सोच ही वहाँ तक नहीं है। वो आधार अपडेट की बात इसलिए खबर दिए कि मैं आपको बताता हूँ, उनको लगता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ज़मीन से कभी काम नहीं किए, किसी का राशन कार्ड नहीं बनाए, राशन कार्ड का फॉर्म आप दे देंगे तो फॉर्म भर नहीं सकते, वो फॉर्म पढ़ नहीं सकते, वो फॉर्म समझ नहीं सकते, तो ऐसे आदमी को तो आधार अपडेट ही बहुत बड़ी बात लगेंगी। इसमें उनकी गलती नहीं है, वो जिस जगह पे हैं वो एक आलिम बहुत अच्छे हो सकते हैं, इस बात से मेरा इनकार नहीं है, मगर सियासत में अवामी काम काज करने का कोई तजुर्बा नहीं है, कोई बुनियादी काम करने का उनके पास कोई इल्म नहीं है, ना उनके पास कोई ऐसी टीम है। हाँ, अभी एक टीम वो लेकर घूम रहे हैं ठेकेदारों की, कि ठेका कैसे लिया जाए और ठेके से इनकम कैसे की जाए, वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जहाँ ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत नहीं है दो पैसा ज़्यादा बचने वाला है वहाँ काम करेंगे। कोई ये बोलता है कि फंड, मैं ये बोलता हूँ कि एक MLA अगर बन गया, वो घर में आके सो भी गया 5 साल, घर से नहीं भी निकले तो उसको 5 करोड़ रुपया हर साल का मिलने ही वाला है, उसके लिए उसको कोई कोशिश करना पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी को एक MLA बना दिया तो 5 साल के लिए वो 5 करोड़ जो गवर्नमेंट का फंड है, दूसरे कुछ माइनॉरिटीज़ के फंड और अलग अलग हिस्से के, वो अपने आप वो सब आ जाते हैं, अपने आप हेलीकॉप्टर को भी अपना कारनामा बताने वाले नुमाइंदे जब इस शहर को मिलेंगे तो ये शहर का सत्यानाश होगा। ये बात मैं भले मजाक में बोल रहा हूँ, मगर सही बात यह है कि ये बहुत सीरियस सवाल हमारे शहर के मुस्तकबिल के लिए है, कि तुम इस शहर को मुस्तकबिल में किस तरह देखना चाहते। शहर इतना बड़ा होते जा रहा है और शहर में कोई प्लान नहीं है, प्लान से मतलब मैं बार बार बोलता हूँ कि जब पहले जो शहर था उस वक्त जो ज़रूरत थी उस हिसाब से निहाल साहब ने काम किए थे, जब ज़रूरत बढ़ी, लोगों के पास गाड़ियाँ बढ़ी, तो दिखती बात है कि नए रास्ते की ज़रूरत पड़ेगी, जब शहर हाईवे के उस पार जाने लगा तो वहाँ पर किस तरह से डेवलपमेंट हो इसकी बात सोचने की ज़रूरत है, उसका प्लान बैठ के करने की ज़रूरत है। मगर हमारे लीडरान, ना आज के MLA ना साबिक MLA, इनके पास एक का तो बाबा आदम ही निराला है, उनको भी अगर राशन कार्ड का फॉर्म दे दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो भी भर सकते हैं। तो अगर इस तरह के नुमाइंदे इस शहर में काम काज करेंगे तो शहर का मुस्तकबिल तारीख है और तारीख ही रहेगा। आज आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी एक तीसरी ताकत बनकर शहर में उभर रही है और लोग कहीं ना कहीं तीसरे ऑप्शन के तौर पर समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं। आप लोगों की इतनी बड़ी तादाद समाजवादी में शामिल होने के लिए आ जाइए, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान, समाजवादी पार्टी के लीडरान को एक हौसला देने की तरफ ये बात जाती है। और जब इस तरह का हौसला मिलता है तो हम लोगों को भी काम काज करने के लिए और ज़्यादा जोश आता है और ज़्यादा हिम्मत बनती है कि यार अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसका सिला हमें मिल रहा है। मैं एकदम साफ हमेशा बोलता हूँ कि मैं बिल्कुल सियासी आदमी हूँ, अगर मैं किसी का काम कर रहा हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि कल वो भी हमारे लिए कुछ करे, ये एकदम सीधी सी बात है। कोई भी आदमी हो, आज अगर हम किसी का कुछ काम कर रहे हैं तो आने वाला वक्त इलेक्शन का है, इलेक्शन करीब है, आपके शहर में एक तीसरे ऑप्शन की तरह एक पढ़ी लिखी खातून शानहीन जो है असेंबली की उम्मीदवार होने वाली है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि उसको राशन कार्ड से लेकर स्कूली तालीमी मामलात में एक अच्छी मालूमाती खातून है, मालूमाती उसको सारी मालूमात है कि किस तरह से राशन कार्ड बनाया जा सकता और किस तरह से तालीमी मैदान में लोगों की तालीम के लिए कोशिश की जा सकती है, किस तरह रोज़गार के लिए नए नए स्किल अगर हमारे शहर में नौजवानों में नई आई है तो उसको किस तरह से हम डेवलप कर सके और उसमें रोज़गार का क्या मौका निकल सके, इस तरह की सोच और फिक्र उसके अंदर है। निहाल साहब की लड़की है, ज़मीनी काम करना जानती है, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसे नुमाइंदे की आज इस शहर में ज़रूरत इसलिए है कि 25 साल से आप इस शहर में देख रहे हो कि 25 साल कोई कम वक्फा नहीं होता, 25 साल से सिर्फ 2 लोगों का इक्तदार इस शहर में रहा है,
शेख आसिफ खानवादे का और मुफ्ती इस्माइल साहब का, मगर 25 सालों में इन्होंने कुछ दिया नहीं। 25 साल में बस यही मैं बोला कि आज के अखबार की जो खबर है कि आधार कार्ड अपडेट जो है वो मुफ्ती इस्माइल कासमी ने उनके घर के करवा लिए। इस तरह की बातें जब नुमाइंदे की तरफ से होने लगे, करोना से ले कर कई पीरियड ऐसे आए, फिरका परस्तों का कई मामला ऐसे आया, आप जिस रोड पर हो यहाँ से जब गढ़ की यात्रा गई उस वक्त उन लोगों ने हमारे साथ क्या सलूक किया और उसके बाद उनके खिलाफ़ एक आवाज़ नहीं उठी। आपकी ही पार्टी के लोगों ने यहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट पे दबाव बनाया, कोर्ट तक गए और उन लोगों पर केस दाखिल करवाया, कम से कम 1.5-2 महीना वो लोग जेल में रहे। तो हम हमेशा दो बात हमारे जहन में है कि इस शहर की तरक्की और डेवलपमेंट के लिए एक प्लान तैयार होना चाहिए जिसमें तालीम हो, रोज़गार हो, और बड़ा शहर जो हो रहा है उसके लिए एक प्लानिंग हो, उस तरह के दिमाग हो जो बैठकर एक अच्छा शहर बनाने की तरफ जाएं। और दूसरा, मुल्क में बढ़ रही फिरका परस्ती और शहर में बढ़ रही फिरका परस्ती का कहीं ना कहीं मुकाबला करने के लिए एक दबाव वाला लीडर चाहिए, ना कि फिरका परस्तों के दबाव में आ जा के काम करने वाला लीडर हो। आज हमारे शहर का हाल ये है कि हमारे MLA लोगों के दबाव में आके काम, फिरका परस्तों के दबाव में आ जाते हैं, उन पर दबाव बनाने का उनके पास ना ताकत है ना हिम्मत है। बुजदिली इतनी है कि वो आप आगरा रोड का नदी का वो हिस्सा अगर आप देख लेंगे तो अब उस हिस्से में तज़ीन कारी का काम शुरू हो गया। यानी बुनियादी सहूलत जब इंसान को मिल जाती है, अगर आपको रोड गडर सब मिल जाती तो आप मेरे पास रोड के रास्ते नहीं आते, आप बोलते यार कुछ अच्छा वहाँ ऐसा कुछ कर दो, स्कूल का कुछ इंतज़ाम कर दो, इसी तरह की सोच लेकर आए होते। ये एकदम सही बात है कि हमारे बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए कोई स्कूल हो, बड़ा शहर है वहाँ पर दूसरा कोई रोज़गार का और ज़रिया हो सकता है, कि ये सब बात आप लेके आते हैं। मगर आप ये बात इसलिए नहीं लेके आए कि आपको पता है कि आपकी रोड और गडर का ही मसला हल नहीं हो रहा, तो आप वहाँ पर सोचेंगे ही नहीं। आप नदी का उस पार देख लो किस तरह से डेवलप हो रहा है, और हमारा ही बजट लेकर हमको ही फिरका परस्ती की भेंट चढ़ा दिया जा रहा है। हमारे ही टैक्स के पैसे, एक बड़ी तादाद में हमारा टैक्स जो है वो कॉरपोरेशन में जाता है, वो जनरल फंड का इस्तेमाल जो है जिस तरह से नदी के उस पार हुआ है, अगर वो फंड जितनी हमारी तादाद उतना हमारा काम अगर होता तो मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत होती। आपका काम उस बुनियाद पर ही हो जाता कि आप जितना टैक्स दे रहे हो उतना काम आपका किया जाए, मगर हमारा 70-80% टैक्स हम देते हैं कॉरपोरेशन को, मगर उसके बावजूद आप देखेंगे कि नदी का उस पार वो शिवा जी का मुजस्मा हो, के तज़ीन कारी हो, अच्छे अच्छे लाइट हो, एक अच्छा स्टेचू हो, हर चीज़ उस हिस्से में आप हो रही है कि रोड गटर एकदम आखिरी मरहले में है। मगर उसके बाद भी बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे इधर का काम अगर मंजूर भी हो जाता है तो वो काम कराने की ताकत या दबदबे की बात आज के नुमाइंदे में कतई नहीं है, ना उनके अंदर दबाव बनाने की ताकत है, ना फिरका परस्तों से दो टोक लड़ने की ताकत है, ना असम्बली हॉल में उन्होंने 5 साल में ऐसी कोई बात बोली जो मालेगांव के मस्जिद मीनारों के शहर को एक आला दर्जे पर लेकर जाए जिसको लोग सुने। आज भी अगर हम लोग मंत्रालय या पुराने मिनिस्टर या कोई MLA से मिलते हैं तो इस शहर में दो ही बात बोली जाती कि आज भी निहाल साहब को एक आला लीडर के तौर पर याद किया जाता है, जबकि 99 से उनका इख्तदार इस शहर में नहीं रहा, 2016 में इंतकाल हो गया, मगर आज भी एक बड़े पावरफुल लीडर के तौर पर उनको याद किया जाता है। और जो मौजूदा MLA हैं उनका हाल ऐसा है कि बाजू की उनकी पार्टी का MLA भी अगर मालेगांव आता तो उनसे मिलना पसंद नहीं करता। ये पोजीशन आज के नुमाइंदे की है। मैं आप लोगों का समाजवादी पार्टी में खुशामदीद करता हूं और यही चाहूंगा कि आप पार्टी को मजबूत करिए। आज हमारे पास जो है मालेगांव शहर से लेके अबू आसिम आज़मी साहब, अखिलेश यादव साहब कहीं ना कहीं आज मुसलमानों के लिए ये लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का सवाल सेंट्रल में आया, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया, तो वक्फ बोर्ड के सवाल पे सबसे पहला एतराज़ जो है अखिलेश यादव साहब का था। ये कहीं ना कहीं आज समाजवादी जो
तुम देखेंगे आज बीजेपी की जो लीडरशिप है उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल गई है, यानी एक कमज़ोर लीडरशिप नज़र आ रही है। यही पिछले 10 साल में वो किस तरह की बात बोलते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, ये भी सबके सामने है। इसमें सबसे अहम रोल अगर किसी का रहा है तो वो समाजवादी पार्टी यूपी में जो काम की उसी ने सबसे ज़्यादा रोकने के लिए कोशिश की और रोका। और आज कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड का सवाल हो, कोल्हापुर में अगर कोई मामला मस्जिद और दरगाह में हुआ तो वाहिद मुस्लिम लीडर अबू आसिम आज़मी साहब वहाँ पहुँचे। मालेगाँव शहर में अगर तुम्हारा 15 अगस्त पिछली बार तिरंगा लेकर शिवाजी पुतले के पास आने की बात हुई तो तुम्हारी ही पार्टी के जिम्मेदार और लीडर शिवाजी पुतले के पास तिरंगा लेकर गए तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो भगवा झंडा लेकर आए। तो आज मालेगाँव शहर की गली से बम्बई की सियासत तक, दिल्ली की सियासत तक आपकी पार्टी के लोग अक़लियत और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम दो तरह का काम इस शहर में आप करेंगे, हम ये वादा करते हैं कि समाजवादी पार्टी एक सिर्फ पार्टी नहीं है, ये हमारा एक परिवार है। आपके सुख दुख हर घड़ी में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हर काम मैं आपका करके दूँगा, मगर जो काम होने जैसा है इंशाअल्लाह मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि वो काम मैं आपका करके दूँ। और शहर में फिरका परस्ती हम बढ़ने नहीं देंगे और शहर को अच्छे तरीके से डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए इसकी कोशिश इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर करेंगे।